मौलाना आदिल का कत्ल। सईद गनी ने शेख रशीद को शामिल तफ्तीश करने का मुतालिबा कर दिया। कराची सईद गनी ने मौलाना आदिल के कत्ल के मामले पर शेख रशीद को शामिल तफ्तीश करने का मुतालिबा कर दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के इजतमात में दहशतगर्दी के बयान पर शेख रशीद से पूछगिछ होनी चाहिए। सियाद को सिक्योरिटी फ्राहम करने का इख्तियार सूबाई हुकूमत के पास होना चाहिए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वजीर सईद गनी ने एतराफ किया है कि मौलाना आदिल को सिक्योरिटी फ्राहम नहीं की जा सकी। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी फ्राहम करने की जिम्मेदार थ्रेड सिस्टमेंट कमेटी को दे रखी है, जिसके बाद सिक्योरिटी की फ्राहमी में महीनों लग जाते हैं। डबल सवारी पर पाबंदी आयद करने से कबल भी सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। सईद गनी का कहना था कि कल तक एहतजाज के लिए कंटेनर्स और खाना देने के दावे करने वाले आज बुखलाहट का शिकार हैं। कानून की बातें किस मुंह से कर रहे हैं। आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मंजूर किए जाने पर रद्द अमल देते हुए सईद गनी ने कहा कि वजीर आजम को खुद भी इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने भी करप्शन की है और पैसे कमाए हैं। न्यूज कॉन्फ्रेंस में एमकेएम पीटीआई पीएसपी के अलावा दीगर सबका बलदियाती नुमाइंदों और मुकामी अहदेदारों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया है।